السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर औलियाए किराम को, जो औलिया होते हैं, जो वली होते हैं, उनको हुक्म देता है या दे रहा है कि वो अपने बेटियों की शादी कर दें। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वलियों को, जो औलिया होते हैं, जो वली होते हैं, उनको निकाह करने का हुक्म दे रहा है। किसका क्या करा, निकाह आप करा दीजिए। वो अन के हुल आयाम मिनकुम, और आयामा जो ये अयीम की जमा है, हर वो औरत जिसका शौहर ना हो। अब इसके अंदर बाकरा भी आएगी, इसके अंदर मुतल्लका भी आएंगे, इसके अंदर मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा वो भी आएंगी। तो गोया कि आयामा हर वो औरत जिसका खाविंद या जिसका शौहर ना हो। और इसी तरीके से मर्दों के लिए भी इसका इतलाक होता है, हर वो आदमी जिसके पास बीवी ना हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर औलिया को, वली को हुक्म देता है और कहता है कि आप अपने जो आयामा हैं, जो तुम में से आयामा हैं, जो तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारे मातहत है, उनकी शादियां करा दो। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कहा अंकिहु, शादियां, उनकी शादी करा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा तनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन, तनकिहुल अयाम मिनकुम। गोया कि ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है और ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि बगैर वली के निकाह औरतों का नहीं होगा, बगैर वली के औरतों का निकाह नहीं होगा। और इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवली, क्योंकि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या करा है, अंकिहू, औलिया को हुक्म दे रहा कि निकाह करा दो। अगर बगैर वली के निकाह जायज होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता कि हुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन, कि तुम में से जो वो औरत जिनके खाविंद नहीं है, जिनके शौहर नहीं है, जिसके पास अभी तक शौहर नहीं, वो शादी कर ले, अपने से शादी कर ले। तो गोया कि ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बगैर वली के निकाह नहीं होगा। और इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, ला निकाह इल्ला बी वलीन के है, और तो सुन लो, तुम्हारा निकाह बगैर तुम्हारे वली के नहीं हो सकता है। ला निकाह, निकाह है ही नहीं, इल्ला बी वलीन, मगर किसके साथ, वली के साथ, यानी कि बगैर वली के मौजूदगी में, बगैर वली के राजी में, बगैर वली की रजामंदी से निकाह नहीं होगा। और जिसने अपने वली के बगैर निकाह किया, वो औरत क्या होगी, जानिया होगी, उस औरत की निकाह बातिल होगी। जैसा कि हदीस के अंदर आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन नकहत बिगैर इज़्ने वलीहा फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी औरत अपने वली के इजाजत के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर निकाह करती है, तो ऐसी औरत की निकाह क्या होगी, बातिल होगी, उस औरत के निकाह सही नहीं होगा। और जो वो औरत क्या कहलाई जाएगी, जानिया कहलाई जाएगी, उस औरत का निकाह बगैर वली के नहीं होगा। तो उसी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर भी इशारा कर रहा है कि बगैर औलिया के निकाह नहीं होंगे। और जुम्हूर उलमा किराम का भी यही मसलक है कि बगैर वली के निकाह नहीं होगा।
इल्लल अहनाफ, अहनाफ के अहनाफ इसके मुखालिफ हैं, और अहनाफ गोया की इस आयत की भी मुखालफत कर रहे हैं और सरी और सही हदीस की भी मुखालफत कर रहे हैं, जो कि सही है कि बगैर वली के निकाह नहीं होगा। वअय्युमा इमरातिन नकहत बगैर इज़्न वलीहा, और इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। तो अहनाफ जो हैं वो जमूर की मुखालफत कर रहे हैं और सही हदीस और कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, और उनके यहाँ है कि बगैर वली के निकाह हो जाएगा, बगैर वली के निकाह हो जाएगा। والصالحين من عبادكم, और इसी तरीके से जो तुम्हारे गुलाम, और इसी तरीके से जो तुम्हारी बांदियां या लौंडियां हैं, जो पाक हैं, नेक हैं, साले हैं, और वो निकाह करनी चाहती हैं, तो उनका भी निकाह आप करवा दीजिए। इन यकूनु फुकरा युग्निहुमुल्लाह मिन फज़लिह, अगर वो लोग शादी से पहले तंग दस्त हैं, अगर शादी से पहले वो लोग फ़कीर हैं, उनके पास माल दौलत नहीं है, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, इन यकूनु फुकरा, अगर वो शादी से पहले फ़कीर हैं, युग्निहुमुल्लाह मिन फज़लिह, तो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उनको अपने फजल से, माल से, दौलत से नवा देगा। क्योंकि उससे पहले इंसान जब शादीशुदा नहीं होता है तो वो सिर्फ वो एक आदमी अपना या अपने लिए सोचता है, फिर जब वो शादीशुदा हो जाता है तो उसके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां भी, दूसरों की भी किफालत की जिम्मेदारियां, उनका नानो नफका और तमाम चीज़ें वाजिब हो जाती हैं। तो ऐसे पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की मदद करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से नवाजता है, और उसके लिए कमाई के और तमाम रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन हमवार कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, कसीरुल फजल है, कसीरुल खैर है, खैर है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की हालात को बखूबी जानने वाला है कि उनमें से कौन शादी करना चाहता है इफ़त के लिए, पाक दामनी के लिए, और कौन नहीं, और कौन गरीब है, कौन नहीं, कौन हकीकी मानों में माल का मुस्तहिक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों की मदद फरमाता है। कहा वलयस्तअफिफिल लदीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग्नियहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, और लोगों को चाहिए कि जो फकीरी की वजह से, तंग दस्ती की वजह से, माल की कमी की वजह से इस काबिल नहीं है कि वो निकाह कर सकें या शादी कर सकें, तो क्या करें, क्या है, वलयस्तअफिफिल लदीना, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इफ़त तलब करें, यानी कि पाक रहें, जिना और इस तरीके से दूसरे काम में मुलव्विस ना हो। वलयस्तअफिफिल लदीना, और चाहिए ऐसे लोगों को पाक रहें, अल्लदीना ला यजिदूना, जो लोग नहीं पाते हैं या जो लोग निकाह की ताकत नहीं रखते हैं, हत्ता युग्नियहुमुल्लाह मिन फज़लिह, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने फजल से नवाजे, यानी कि माल उनके पास अभी माल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो शादी कर सके, तो उनको चाहिए कि रुके रहें और पाक रहें, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माल से नवाजे, उनको दौलत से नवाजे, उनको फजल से नवाजे, उनको खैर से नवाजे, फिर उसके बाद वो क्या करें, शादी करें। और कैसे रुकना है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मअशर सबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाअ फलतज़वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर वअहसनु लिलफर्ज वमन लम यस्तदी فعليه بالصوم فانه له وجاء। के मुसलमानों की जमात, ऐ नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी की ताकत रखता है उसको चाहिए कि शादी करे, और ये शादी क्या है, जब इंसान शादी कर लेगा, فانه اغض للبصر, तो उससे उसकी निगाहें पस्त हो जाएंगी, वो दूसरी लड़कियों की तरफ, दूसरी औरतों की तरफ नई निगाह उठा करके देखेगा, वह अहसन للفرج, और इसी तरीके से उसके शर्मगाह की हिफाजत ज़ामिन हो जाएगी वो शादी। क्यों, क्योंकि जब भी उसके दिल के अंदर इस तरह की कोई भी ख्यालात आएंगे तो वो शादीशुदा रहेगा, फौरन यर्जع الى بيته ويفعل ما يشاء مع زوجته, तो जो भी कुछ चाहेगा अपने घर की तरफ मुबाशरतन पलटेगा, जो भी कुछ करना चाहेगा अपनी बीवी उसकी मौजूद है कर सकता है। उसके बाद क्या कहा, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, और जो
निकाह की ताकत नहीं रखता है, शादी की ताकत नहीं रखता है, यानी बाआ जिसके पास नहीं है, कौन सी बाआ? माली बाआ। और तो क्या करे, फअलैही बिसौम, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा जो है वो उसके शहवत को कुचलने वाली है, उसके शहवत को कम करने वाली है, जो कि अगर इंसान के पास माल नहीं है फिलहाल उस वक्त शादी करने की, तो उसको चाहिए कि इस हदीस पर अमल करे। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कहते हुए फरमाया वलियस्तअफिफिल लदीना, लोगों को चाहिए कि वलियस्तअफिफ चाहिए कि इफ्फत तलब करें, अफीफ रहें, पाक दामन रहें। को लोग अल्लदीना ला यजिदुना निकाहन, वो लोग जो नहीं पाते हैं या जिनके पास ताकत नहीं है निकाह करने की, हत्ता युग्नीहुमुल्लाह मिन फज़ल, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बेनियाज कर दे अपने फजल से, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना फजल, अपना माल, अपना खैर उनके ऊपर और उनकी ज़वाज में आसानी पैदा कर दे। उसके बाद क्या कहा, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، اور فِي اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ان مالکوں کو حکم دے رہا ہے جن کے ماتحت غلام ہیں کہ اگر تمہارے ماتحت کوئی غلام ہے اور وہ ماتحت تم سے وہ غلام جو تمہارے ماتحت ہے وہ تم سے مکاتبہ کرانا چاہتا ہے، مکاتبہ کا مطلب کیا ہے کہ غلام اپنے آقا سے آئے کہے کہ آپ مجھے لکھت طور پر میرا اور آپ کا معاہدہ ہو جائے کہ اتنا مال آپ کو جمع کر دوں گا اور اتنا پیسہ آپ کو دے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو کتابت چاہتے ہیں یعنی مکاتبہ کے طور پر آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور کون ان میں سے جو تمہارے ہاتھ کے انڈر ہیں جن کے تم مالک ہو یا جو تمہارے غلام ہیں، اگر وہ غلام تمہارے تم سے مکاتبہ کرنا چاہتے ہیں، لکھانا چاہتے ہیں، تو کیا کرو، فکاتبوہم، تو تم ان پر آسانیاں برتو، ٹھیک ہے آپ مدہ مال جمع کر دیں ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ نیک ہے، اور اس طریقے سے اس کے اندر یہ صلاحیت یہ خوبی ہے کہ وہ پیسہ ادا کر لے گا بعد میں کما کر کے، اس کے اندر حرفہ ہے، اس کے اندر پیشہ ہے، وہ پیسہ اکٹھا کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر تمہارے اندر تمہیں معلوم چلے کہ وہ تم کو پیسہ دے دے گا اور وہ ادا کر دے گا، اور اسی طریقے سے وہ دونوں اعتبار سے مطلب اس کے اندر خیر ہے، یعنی نیکی اعتبار سے بھی اور پیسہ بھی کما سکتا ہے، اس کو بھی ادا کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لکھ لو، مکاتبہ کر لو، اے آقاؤ، اے مالکو، تم کیا کرو، مکاتبہ کر لو ایسے غلاموں سے کہ اتنا مال تم جمع کر دو گے تو تم کیا ہوگے، آزاد ہوگے، اور تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے کہا ان مالکوں کو حکم دیتے ہوئے کہ تم بھی اگر کوئی ایسا مطلب کام کر رہا ہے تم بھی اس کی انکریج کرو، اس کی بھی تم بھی تشجیع کرو، تم بھی اس کی حوصلہ افزائی کرو، تم بھی اس کی مدد کرو تاکہ وہ جلدی سے آزاد ہو جائے۔ وہی اللہ رب العالمین کہتا ہے وَآتُوهُ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اور اپنے مالوں میں سے جو کچھ تمہارے مالوں کے اوپر زکات اگر واجب ہو رہا ہے تو اس غلام کو دو جو تم سے مکاتبہ کرا ہے تاکہ اس کے پاس جلد سے جلدی مال اکٹھا ہو جائے، اور وہ مال بعد میں جو مکاتبہ کا جو قیمت ہے اس کو ادا کر کے وہ آزاد ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور وہ مال جو اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کر کے رکھا ہے، جو تم کو دے کر کے رکھا ہے، اسی مال میں سے تم بھی ان کے لیے ان کو عطا کرو دو تاکہ ان کی کام میں آسانی ہو۔ اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اے لوگو تم اپنی لونڈیوں کو اپنی باندیوں کو زنا پر، بغا کیسے مراد کیا یہاں پر، زنا ہے کہ تم ان لونڈیوں کو ان باندیوں کو زنا پر مت ابھارو، مت مجبور کرو کہ وہ زنا کر کے لائیں اور تم کو دیں تو تم بیٹھ کر کے کھاؤ۔ یہ کیوں کہا گیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنی باندیوں کو اپنی لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور کرتے تھے اور اس سے کمائی کرواتے تھے، پھر اس کو بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا اور کہا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اے لوگو تم اپنے لونڈیوں کو اپنی باندیوں کو زنا جیسے فعل قبیح اور شنیع پر مجبور مت کرو کہ وہ اس کو کرنے پر مجبور ہو جائیں اور وہ کر کے لائیں، تم کو دے تو تم بیٹھ کر کے کھا۔
खाओ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना किया है। जैसा कि अल्लाह का हदीस के अंदर है, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन समनिल कल्बी व महरिल बगी व हुलवानिल काहिन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत और इसी तरीके से बगी जो जानिया है उसके उसका जो महर होता है, जो पैसे जिस पैसे के एवज में वो जना कराती है, उसको इन तमाम चीजों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। और इसी तरीके से जो काहिन है उसके भी कमाई से जो भी पैसा मिलता है उसको, उससे भी रोका है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वही कहा यहाँ पर फतयातिकुम वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगा, कि तुम अपनी लौंडियों को जिना पर मत उभारो, मत मजबूर करो कि वो जिना करके लाए। इन अरदना तहसुनन, अगर वो पाक दामन आफीफा रहना चाहती हैं, अगर वो आफीफा रहना चाहती हैं, यानी ये नहीं कि अगर वो खुद जिना अगर जिना करना चाहती हैं तो उनको इजाजत दो, नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं कि इन अरदना तहसुनन, कि अगर वो आफीफा रहना चाहती हैं तब, अगर आफीफा खुद नहीं रहना चाहती हैं तो उनको नहीं, बल्कि किसी भी हालत में उनको जना कर जना ना करने दो। लितब तगो अर्दल हयाती दुनिया, किस लिए, ताकि तुम उनकी कमाई को इकट्ठा करो, जिससे तुम दुनिया के मता और माल चाहते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, यानी वो कमा करके लाएंगी, जना करके लाएंगी, जो उसका महर होगा, जो कीमत होगी जना के आवाज में उनको मिलेगा, उसको ला करके तुम्हें देंगी। उमय गफूर रहीम, और इसी तरीके से अगर ऐसी कोई लौंडी है, अगर कोई ऐसी बांदी है जिसको जिसको उसका आका उसका मालिक उसको मजबूर कर रहा है जना करने पर, और वो मजबूरी में उसको जना करना पड़ रहा है, तो ऐसी ऐसी औरत बांदियां जो गुलाम होंगी या जो लौंडियां होंगी, उनको उस जना पर गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि उसका गुनाह किस पर मिलेगा, उस आका पर मिलेगा जिसने उसको मजबूर किया है जना करने पर। क्यों? क्योंकि वो तो पहले महला में जना करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, किसी की गुलाम है, किसी की वो लौंडी है, किसी की वो बांदी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा, मजबूरी में करा रही है। तो अगर कोई मजबूरी में कोई काम किसी से कराया जाता है, तो यहां तक कि अगर शिर्क भी किसी से मजबूरी में कराया जाए तब भी वो इंसान मुशरिक नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रुफिया अन उम्मती अल खता वन निस्यान उमस्तुकरिहु अलैहि उमस्तुकरिहु अलैहि, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत से खता यानी गलती से कोई काम हो गया या भूल चूक में कोई काम हो गया है, और इस तरीके से मजबूरी में कोई काम किसी से करवाया जा रहा है, तो तमाम चीजें माफ है। इसी तरीके से मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, जिसको मजबूर किया गया किसी गलत काम करने पर, लेकिन उसका दिल ईमान के साथ मुतमइन है, उसके दिल के अंदर ईमान है, लेकिन क्या करे, उसको मजबूर किया जा रहा है, तो अगर वो फेल कर भी देता है तो वो मुशरिक या इस तरीके से गुनहगार नहीं होगा। जिस तरीके से यहया बिन माईन रहमहुल्लाह, अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह और दीगर उलमाए किराम अहले सुन्नत वल जमात के जो पिलर थे, जो सुतून थे, उन लोगों को जब मजबूर किया गया और कहा गया कि कहो अल कुरान मखलूकुन, तो उन्होंने कह दिया था मजबूरी के तौर पर, क्योंकि नहीं तो कहते तो मार डाले जाते, काट डाले जाते, कत्ल कर दिए जाते, तो उन्होंने इसी आयत को महल शाहिद रखते हुए और इसी आय से इस्तेशाद करते हुए मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान के तहत कह दिया। लेकिन क्या वो लोग काफिर हो गए? नहीं, नऊज़ बिल्लाह काफिर नहीं हुए, बल्कि वो लोग क्या थे, मुसलमान थे, मोमिन थे, अहले सुन्नत वल जमात के पिलर थे। तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर किसी को मजबूर किया जा रहा है तो वो गुनहगार आका होगा, मालिक होगा, ना कि बांदी और लौंडी होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, गफूर रहीम, बख्शने वाला है। अल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर ऐसा कोई मालिक करवा रहा है, अपनी लौंडियों को मजबूर कर रहा है जनाब करने पर, तो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बाद में उनके आके को चाहिए कि तौबा इस्तगफार कर लें अगर उनसे वह काम हो गया है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर है, बख्शने वाला है, उसी तरीके से रहीम है, अपनी रहमत को बंदों पर नाजिल करने वाला है। तो आज का दर्स हम इसी पर इक्तफा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अलैहि वसहबी अजमईन, वसलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।